नेक्स्ट वन, इस केस में कंडीशनल ने टू एग्जांपल्स प्रोवाइड किए 29 और 30। फर्स्ट वन प्रोवाइड किया डायरेक्टली एल्स ब्लॉक विदाउट इफ कंडीशंस, ऑलरेडी डिस्कस किया है। विदाउट इफ स्टेटमेंट कभी डायरेक्टली एल्स ब्लॉक राइट करना पॉसिबल नहीं है, एल्स ब्लॉक मस्ट एसोसिएटेड विद इफ कंडीशन। कंपाइल टाइम एरर, मिसप्लेस्ड एल्स ब्लॉक। नेक्स्ट वन एग्जांपल 30। एग्जांपल 30 के केसेस में इफ का बॉडी किससे डेनोट हो रहा, फर्स्ट सेमी कोलन से, मींस इसको कंसीडर करेंगे लाइक क्लोजिंग, मींस डमी बॉडी और डमी इफ स्टेटमेंट। लेकिन इस केस में आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले परफॉर्म क्या करेंगे, टेस्टिंग इफ कंडीशन। जब इफ कंडीशन टेस्ट कराएंगे, इफ कंडीशन के रिस्पेक्ट में फाउंड क्या हो रहा, प्रिंट एफ स्टेटमेंट। प्रिंट एफ का वर्किंग क्या, सबसे पहले इस केस में इसका प्रोसेस टू स्टेप्स में कंप्लीट हो। फर्स्ट स्टेप क्या है प्रिंट एफ का, डिस्प्लेइंग मैसेज ऑन द मॉनिटर, करंटली आउटपुट में क्या प्रिंट हुआ, गिवन मैसेज एज हेलो। सेकंड स्टेप क्या, रिटर्निंग नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल्स, कितने कैरेक्टर प्रिंट हुए इससे, 5। फाइनली प्रिंट एफ के प्लेसेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिस्प्लेड सिंबल एज 5। 5 मीन्स नॉन जीरो नंबर, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू या फॉल्स टू डजंट मैटर, इस केस में फाइनली बॉडी पार्ट कैसा इसका, एम्प्टी। लेकिन इसका ओवरऑल आउटपुट क्या प्रिंट हो चुका ऑलरेडी, मैसेज एज हेलो।